बिग बॉस OTT3 की शुरुआत हो चुकी है। शुक्रवार 21 जून को रात 9 बजे से इस शो ने जियो सिनेमा पर दस्तक दे दी है। वहीं इस शो में कई मशहूर नामी कंटेस्टेंट्स के रूप में शामिल हुए हैं। अब जो शो की शुरुआत हो चुकी है तो अचानक से चर्चा में आई है एक गांव की लड़की। जी हाँ, बिग बॉस की शुरुआत से पहले 21 जून को ही शिवानी कुमारी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी थी कि वे भी बिग बॉस OTT3 का हिस्सा बनने जा रही हैं। इसे लेकर उनके परिवार और उनके चाहने वालों के बीच खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि शिवानी कुमारी सोशल मीडिया स्टार हैं। वे रील्स बनाकर लाखों लोगों के बीच मशहूर हो गई हैं। उनका नाता है उत्तर प्रदेश के औरैया के अरियारी गांव से। वहीं शिवानी ने अपने जीवन में गरीबी को काफ़ी करीब से देखा है। वे अब भी अपने परिवार के साथ गांव में ही रहती हैं। उनके पास कभी खाने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन सोशल मीडिया ने उनकी लाइफ बदल दी। जबकि अब बिग बॉस OTT3 में आने के बाद वो चर्चाओं में आ गई हैं। बिग बॉस OTT3 में एंट्री लेते ही शिवानी ने बॉलीवुड एक्टर और बिग बॉस OTT3 के होस्ट अनिल कपूर को गले लगाया। वहीं अनिल ने बिग बॉस OTT3 की एक दूसरी कंटेस्टेंट सना मकबूल को शिवानी कुमारी से मिलवाया। शिवानी की बातें सुनकर उन्होंने शिवानी पर तंज कसते हुए कहा कि शिवानी जिस तरह से अपने हिंदी लहजे का इस्तेमाल कर रही हैं, उससे वो देसी इमेज पेश करने की कोशिश कर रही हैं। वहीं शिवानी ने खुलासा किया कि उन्हें शुरुआत में वीडियो बनाने के दौरान काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोग उन्हें नचनिया और पागल तक कहते थे, यहाँ तक कि उनकी माँ का उन्हें सपोर्ट नहीं था। उनकी माँ ने उन्हें वीडियो बनाने से रोकने के लिए पेट में चाकू तक मार दिया था। वहीं शिवानी ने अपने स्ट्रगल के दिनों को भी याद किया और उन्होंने उन बुरे हालातों पर ये कहा कि मैं सभी संघर्षों के लिए आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बनाया है जो मैं आज हूँ। आपको बता दें कि शिवानी अब एक पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, लेकिन रही बात उनके नेटवर्थ की तो वहाँ सोशल मीडिया ने उनकी ज़िंदगी को बदला तो ज़रूर है, लेकिन उतना भी नहीं। शिवानी अभी भी गांव में अपने परिवार के साथ रहती हैं और फिलहाल के लिए कोई काम नहीं करती हैं। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।